पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड में कसरत शुरू हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज डोईवाला में प्रशिक्षण दिया गया है। डोईवाला के ब्लॉक सभागार में आज एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में लेकर सरकारी कवायद शुरू हो चुकी है। आज डोईवाला के ब्लॉक सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बीएलओ और लेखपालों को इसका प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने मानदेय को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जो है मतदाता सूचियों का परीक्षण कार्य किया जाना है। इसका कार्यक्रम जो है 23 से कल से शुरू होना है। इससे पहले आज जो है यहाँ पर इनका प्रशिक्षण रखा गया है। इसमें जो है मुख्य रूप से हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संगणक के रूप में और ग्राम विकास कार्य और बाल विकास के सुपरवाइजर, राजस्व विभाग के लेखपाल आदि को जो है इसमें जो है पर्यवेक्षक के रूप में रखा गया, ताकि उसकी वो समय समय मॉनिटरिंग कर सके। सर, आज हम लोगों को ग्राम पंचायत के जो चुनाव आने वाले हैं उनसे संबंधित जानकारी दी गई है। उनका नया सर्वे करना है, डाटा तैयार करना है और इस चुनाव में कोई भी मतदाता ना छूटे। 18 साल तक के सभी बच्चे इसमें भाग ले, इसकी पूरी तैयारी की गई है। घर घर जाकर हमें सर्वे करना है और एक नए डाटा तैयार करना है जो आगामी चुनाव के लिए सभी वोटर्स उसमें अपना मतदान दे सके। सर, हमको 16 साल हो गए आंगनबाड़ी में जॉब करते करते। आंगनबाड़ी के अलावा भी हम और विभागों का काम करते हैं, स्वास्थ्य विभाग का काम करते हैं, बीएलओ का काम करते हैं। सर, हमें 2 महीना हो गया है अभी बीएलओ से हम छूटे। इतनी हमें एक तो मानदेय टाइम पे नहीं मिलता और यहाँ से काम का प्रेशर इतना रहता है कि फ़ोन पे सुपरवाइजर रिपोर्ट लेगा 4 बजे 2 बजे, कोई रिलैक्स का टाइम नहीं है। हमारी कुछ बहनें अभी बीएलओ के काम से इतनी बीमार हो गई हैं और यहाँ भी अभी ग्राम पंचायत का हमने पिछले साल भी वोटिंग लिस्ट किया था, कोई हमें मानदेय नहीं मिलता है। इसके बाद हमने नगर निगम के चुनाव में भी हमारी वोटर लिस्ट में ड्यूटी लगाई गई थी, उसका भी हमें आश्वासन दिया गया था कि तुम्हें मानदेय मिलेगा, लेकिन आज तक उसका हमें एक पैसा नहीं मिला। और जब भी हम अपने पैसे पूछने जाते हैं तो सर कहते हैं अभी ऊपर से सूचना आएगी। सर, 1 साल हो गया इस चीज़ को। आज हमें ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए यहाँ बुलाया गया है, लेकिन मानदेय की हमने जब बात करी कि हमारी मेन समस्या मानदेय की है। काम का टाइम इन्होंने हमें 15 दिन का दे रखा है। 15 दिन में एक एक घर जाके दोबारा भी हमें उनके घर जाना है जो लोग हमें प्रेजेंट नहीं मिलेंगे। और मानदेय का पूछा तो एक दूसरे के अधिकारी एक दूसरे का ये तो कोई बात नहीं हुई। तो हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमें कोई भी काम जब लेते हैं हम मजदूर कर्मचारी, मानदेय मिलता है हमें आंगनबाड़ी से काम के बदले, लेकिन दाम भी तो मिलने चाहिए, लेकिन हमें एक पैसा नहीं मिलता है। ऐसा क्यों है, हमारा शोषण क्यों किया जा रहा है चारों तरफ से।